दिग्रस नगर पालिका के समक्ष रमाई आवास योजना के लाभार्थियों द्वारा प्रलंबित बकाया राशि की मांग को लेकर बीते 26 जनवरी से बेमियादी अनशन जारी था। ऐसे में गुरुवार को धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को नगराध्यक्ष सहित पार्षदों के हाथों उपरोक्त आवास योजना के चेक का वितरण किया गया, जिसके बाद लगभग 10 दिन तक चले इस बेमियादी अनशन को पूर्ण विराम मिला है। वर्ष 2018 से अब तक रमाई आवास योजना की बकाया राशि से वंचित लाभार्थियों के लिए गुरुवार का दिन राहत का सबब साबित हुआ। इस दिन दिग्रस नगर पालिका नगराध्यक्ष सतवाजा मोहम्मद जावेद, पार्षद बालू जाधव, सैयद अकरम, केतन रत्न पाखी आदि ने सबसे पहले धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया और उन्हें नगर पालिका सभागृह में आयोजित चेक वितरण कार्यक्रम में रमाई आवास योजना की बकाया राशि के चेक दिए गए। इस मौके पर लाभार्थियों ने पहले ही नगराध्यक्ष और पार्षदों के प्रति आभार व्यक्त कर अनशन समाप्ति की घोषणा की। दिनांक 26 जानेवारी पासून रमाई घरकुल आवास योजनेच्या थकित रक्कम मिळण्याकरिता आम्ही उपोषणाला बसलेल्या माननीय दिग्रसच्या नगरपालिकेच्या अध्यक्षा सदाबजहा यांनी आमचं उपोषण आज सर्वसमक्ष सोडण्यात यशस्वी केलं। त्यांनी आम्हाला चेक दिले, चेक देणार, आता 2 मिनिटांमध्ये चेक देणार आणि त्यामुळे आमचं आज आम्ही उपोषण सोडणार। लाभार्थियों की उपरोक्त समस्या को हल करने के लिए पार्षदों ने भी प्रयास किया है। उनके मिले जुले प्रयासों को सफलता मिलने से पार्षदों ने समाधान व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि आइंदा नगर पालिका पर किसी को कोई अनशन या धरने करने की बात नौबत नहीं आएगी। सम्माननीय मुख्याधिकारी साहब और नगर परिषद के सभी प्रशासन वर्गों को हम नगर सेवक की ओर से प्रेशराइज किया गया। हम लोगों ने पहले ही तय किया था, जिसमें केतन हेमंत रत्न पारखी, सौभाग्य सिंह, वैशालिताई दुबे, मैं खुद, सैयद अकरम, सैयद उमर, बड़ूभाव यादव, किशोर भाव साबू, अजिंक्य भाव भात्रे और हमसे रिलेटेड जितने नगर सेवक थे, हमने पहले से ही रमाई आवश्यकता के जो उपोषण करता है इन्हें पाठिंबा जाहिर कर दिया था। आज दिनांक 4 रोजी संपूर्ण रमाई आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना जे सर्व उपोषणाला बसले होते त्यांना नामदार संजयभाऊ राठोड यांच्या प्रयत्नाने दिग्रस नगर परिषदेतील सभागृहात सन्माननीय नगराध्यक्ष सदबजा मॅडम, नगरसेवक सैयद अकरमभाई, नगरसेवक बाळूभाऊ जाधव आणि आम्ही सर्व नगरसेवकांच्या हस्ते त्यांना चेक वाटप झाले आणि येणाऱ्या काळात कोणत्याही प्रकारचे उपोषण होणार नाही ही आम्ही सर्व नगरसेवक ग्वाही देतो। गौरतलब है कि पहले चरण में प्रति लाभार्थी 20,000 का चेक दिया गया। ऐसे में शेष राशि का चेक एक सप्ताह के बाद दिया जाएगा, ऐसा भरोसा नगराध्यक्ष सतवाजा ने जताया है। 20 लोगों के आज चेक आए हैं हमारे इसमें रमाई आवास योजना के और आगे भी जिन जिन के काम हो जाएंगे उनके भी चेक जमा हो जाएंगे एक हफ्ते में 8 दिन के अंदर सब लोगों को भी मिल जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो रमाई आवास योजना के लाभार्थियों को 2 वर्षों के निरंतर इंतजार के बाद भी अपने अधिकारों के लिए अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा है। ये एक तरह से अफसोस की बात है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन पहले ही इनकी मांगों की ओर गंभीरता से ध्यान देता तो इन पर अनशन करने की नौबत ही नहीं आती और न ही नगर पालिका प्रशासन की सुस्त कार्य प्रणाली उजागर होती। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।